अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे चैनल अच्छी बातें निजवा से मैं आप सबका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब आफियत से होंगे। चलिए सुनते हैं आज की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलिसें अमानत है, उनमें की गई राज की बातें किसी को बताना जायज़ नहीं सिवाय तीन मजलिसों के, कि वो अमानत नहीं है बल्कि दूसरों तक उनका पहुंचा देना ज़रूरी है। एक वो मजलिस जिसका ताल्लुक नाहक खून बहाने की साजिश से हो, दूसरी वो जिसका ताल्लुक जिनाकारी से हो, और तीसरी वो जिसका ताल्लुक नाहक किसी का माल छीनने से हो। ये हदीस अबू दाऊद की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक अच्छी बात। जो लोग ऐसी मजलिस से उठते हैं जिनमें अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तो वो गोया बदबूदार मुर्दा गधे के पास से उठे हैं, और ये मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन अफसोस का ज़रिया बनेगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में एक नई हदीस के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।